सभी को मेरा प्रणाम। मैं खुशी रावत, 12वीं की छात्रा, बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पदमपुर मोटडांग। आज मैं कोविड-19 से उपजे नकारात्मक हालात की बजाय सकारात्मक हालातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं यह जो लॉकडाउन हुआ है उसने पर्यावरण को संजीवनी देने का कार्य किया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या पर कई प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। मैंने अपने दादा दादी जी से यह भी सुना है कि उन्होंने अपने जीवन में मानवता को बचाने के लिए इतने हाथ उठते नहीं देखा है। आज लोग जिन्हें जानते भी नहीं हैं उनकी मदद के लिए दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। कोविड-19 ने कहीं ना कहीं परिवारों को नज़दीक लाने का भी काम किया है। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को रोजगार हेतु शहर जाते हुए देखती है और इंतज़ार करती है कि उसका बेटा कब घर आए। कोविड-19 ने उसके इस इंतज़ार को भी समाप्त किया है। आज इस बीमारी ने कहीं ना कहीं सभी को स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया है। तो फिर इस बीमारी के नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करके तनाव क्यों बढ़ाएं? हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा हमें हर स्थिति में सकारात्मक रहने का ज्ञान लिया है और इसी कारण मैं अपने विचार व्यक्त कर पाई हूँ। धन्यवाद। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।